Good morning everyone, this is Somti, welcomes you all in biology learning. In the last class which we had talked about the monohybrid cross, and to verify the result of that monohybrid cross, today we will take the next cross, that is back cross. Aaj hum baat karenge back cross ki, aur ye back cross hai kya? So back cross is actually the crossing of F1 hybrid. जो मोनो हाइब्रिड में हमें F1 जनरेशन मिली थी, F1 हाइब्रिड मिला, उसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F1 हाइब्रिड को हमें क्या करना है, हमें एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराना है. अब वो पेरेंट आपका डोमिनेटिंग भी हो सकता है एंड दैट पेरेंट मे बी योर रिसेसिव. सो बच्चे, दिस कंप्लीट स्टेटमेंट इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर मोनो हाइब्रिड क्रॉस. नाउ सी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने पेरेंट्स लिए थे एंड इन प्योर फॉर्म. सो द पेरेंट्स जो थे वहां पर या तो कैपिटल टी, आइदर इट इज कैपिटल टी दैट इज टॉल, और एक पेरेंट था वहां पर स्मॉल टी जो कि था शॉर्ट. और जब हमने इन दोनों को क्या किया था, क्रॉस किया था, तो हमें यहाँ पर F1 जनरेशन मिली थी. दैट F1 जनरेशन इज कैपिटल टी विद स्मॉल टी. लेकिन दिस इज ऑल व्हाट, जीनोटाइप. ये सारे क्या है, जीनोटाइप. मेंडल तो ऑब्जर्व करते थे, और ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या लिया था, एक टॉल प्लांट लिया, ओके, उसे क्रॉस कराया एक शॉर्ट प्लांट के साथ, और उन्हें F1 जनरेशन में क्या मिला, टॉल. लेकिन आगे की जनरेशन में F2 में उसे क्या दिखे, शॉर्ट भी दिखे, प्रोबेबिलिटी थी, संभावनाएं थी. सो यहाँ पर उन्होंने बात की कि ये जो F1 जनरेशन में मुझे टॉल दिख रहा है, उन्हें तो ऑब्जर्व होता था, दिखता था एक्सटर्नल, लेकिन इस टॉलनेस के लिए आपका क्या रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इसका जीनोटाइप क्या है. क्योंकि बच्चा टॉलनेस आपका कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से भी हो सकता है, और टॉलनेस आपका हो सकता है F1 कैपिटल टी हो. कि ये भी तो हो सकता था कि जब उसने क्रॉस किया तो दोनों पेरेंट के करेक्टर आगे गए ही ना हो, एक ही पेरेंट का करेक्टर आपका गया हो, दैट इज कैपिटल टी विद कैपिटल टी, और इस वजह से टॉलनेस आई हो. लेकिन उन्होंने जब F2 किया तो शॉर्ट भी आया, उसे ये तो प्रूफ था कि दोनों पेरेंट का कुछ ना कुछ करेक्टर गया होगा. तो फिर उन्होंने यहाँ फाइंड आउट किया, जो F1 जनरेशन है उसमें जो टॉलनेस दिखी है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन. अब मैं टर्म्स यूज करूंगी स्पेसिफिक. हेट्रोजाइगस इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ टर्मिनोलॉजी हमने बात की थी, हेट्रोजाइगस जहां पर दोनों एलीलिक फॉर्म क्या हो, डिफरेंट हो. तो ये फाइंड आउट करना चाहते थे वो कि जो टॉलनेस है वो हेट्रोजाइगस नेचर की वजह से है, और या फिर आपका ये क्या है, होमोजाइगस, जहां दोनों एलीलिक फॉर्म क्या है, कैपिटल टी है, सेम है. तो ये टॉलनेस इन दोनों में से किस वजह से है, ओके. एंड फॉर दैट ही कंडक्टेड अ क्रॉस कॉल्ड बैक क्रॉस. बैक क्रॉस में उन्होंने इस F1 जनरेशन, दिस इज द F1 जनरेशन, इस F1 जनरेशन को उन्होंने क्या किया, दोनों पेरेंट्स के साथ क्रॉस किया. यानी एक बार इसे क्रॉस किया किसके साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ. अब डोमिनेंट यानी टॉल को उन्होंने डोमिनेंट क्यों कहा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल दिख रहे थे. तो एक बार क्रॉस किया गया टॉल प्लांट के साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ, और दूसरी बार इस F1 को क्रॉस किया गया शॉर्ट पेरेंट के साथ, यानी कि रिसेसिव पेरेंट के साथ, और उन्हीं क्रॉसेस को क्या कहा गया, बैक क्रॉस. मींस दिस बैक क्रॉस इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू क्लास, दैट इज अ डोमिनेंट बैक क्रॉस वेयर द F1 इज क्रॉस विद अ डोमिनेंट पेरेंट. जहां पर F1 हाइब्रिड को, ये हाइब्रिड हमें कहां से मिला है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से. तो F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करे, देन दैट क्रॉस इज डोमिनेंट बैक क्रॉस. और अगर इस F1 हाइब्रिड को हम रिसेसिव शॉर्ट पेरेंट के साथ क्रॉस करे, देन दैट इज रिसेसिव बैक क्रॉस. ओके, ये स्टेटमेंट क्लियर. अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये क्रॉस किए क्यों गए. तो एज आई हैव टोल्ड यू, वो ये जानना चाहते थे कि इस टॉलनेस का रीजन क्या है, क्या यहाँ पर F1 हाइब्रिड की हेट्रोजाइगस कंडीशन है, या फिर ये F1 हाइब्रिड होमोजाइगस कंडीशन में है.
तो एक्चुअली उन्हें ये F1 हाइब्रिड ऑब्जर्व हुआ था कि एक बड़ा पौधा है, ये बड़ा पौधा कैपिटल टी की वजह से टॉल हुआ या कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी हेटरोजाइगस कंडीशन की वजह से आपका टॉलनेस दिखा रहा है, यही उन्हें फाइंड आउट करना था। मीन्स इफ वी से उन्हें एक्चुअल में इस F1 हाइब्रिड का जीनोटाइप फाइंड आउट करना था जो वो नहीं जानते थे। उन्हें पहले ऑब्जर्वेशन दिखी लंबा पौधा, उसके बाद उन्होंने फाइंड आउट किया कि वो जो टॉलनेस है वो किसकी वजह से, किन जीन्स की वजह से। तो मींस यहाँ पर पहला सिग्निफिकेंस क्या है बैक क्रॉस का, टू नो द अननोन जीनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड का अननोन जो हम नहीं जानते उस जीनोटाइप को फाइंड आउट करना। ओके बच्चा, नाउ सी अब यहाँ पर हम क्रॉस करते, देखो आपका F1 हाइब्रिड कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि F1 हाइब्रिड आपका होमोजाइगस कंडीशन में है और इट इज इन हेटरोजाइगस कंडीशन। तो ये उन्हें पता चला क्रॉस के रिजल्ट से। भाई हमें पता तो तभी चलेगा ना रिजल्ट्स जब हम देखेंगे, और रिजल्ट्स में ऐसा क्या वेरिएशंस थे अभी हम बात करते हैं। सो बच्चे यहाँ पर हम बात करते हैं पहली कंडीशन। अगर मैं ये एज्यूम कर लू, मैं मान रही हूँ, अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि F1 हाइब्रिड में जो टॉलनेस है, टॉल करेक्टर है, वो हेटरोजाइगस कंडीशन की वजह से है, तो मैंने F1 हाइब्रिड को रिसेसिव पेरेंट यानी कि स्मॉल टी से क्या किया, क्रॉस किया। सो बच्चा अगर मैं क्रॉस करूंगी तो इससे हेटरोजाइगस कंडीशन से आपकी गैमेट क्या बने, कैपिटल टी। ये सारा आपको सीक्वेंस में लिखना है, मैंने हर जगह नहीं लिखा क्योंकि मैं ए के साथ लेके चली हूँ क्रॉस। सो आपके गैमेट क्या बने यहाँ पर, कैपिटल टी विद स्मॉल टी, और दूसरे पेरेंट के गैमेट क्या बने, स्मॉल टी विद स्मॉल टी। तो सबसे पहले आपने पेरेंट का जीनोटाइप लिया है, पेरेंट का फिनोटाइप मेंशन किया है, देन आपने गैमेट्स जो है वो मेंशन किए हैं। अब उसके बाद आपने यहाँ जनरेशन निकाली और किसके थ्रू, पुनेट स्क्वायर के थ्रू। तो यहाँ पर पुनेट स्क्वायर में ऑन वन साइड वी हैव प्लेस द फीमेल फ्लावर और फीमेल पार्ट, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव प्लेस द मेल पार्ट, एंड देन क्रॉस दीज टू पेरेंट्स। सो यहाँ पर जब क्रॉस किया गया बच्चा, सो यहाँ पर ये मैंने रख लिया एक पेरेंट एंड दिस इज द सेकेंड पेरेंट आई हैव प्लेस हियर। सिंपल सा क्रॉस है, क्रॉस आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको बॉक्स को सिर्फ ज्वाइन करना है। सो यहाँ पर ये कैपिटल टी ज्वाइन हुआ स्मॉल टी के साथ, फिर ये आपका ज्वाइन हुआ स्मॉल टी के साथ, देन कैपिटल टी विद स्मॉल टी एंड स्मॉल टी विद स्मॉल टी, ये आपका क्रॉस बन गया। देन दिस इज द जीनोटाइप, यू हैव मेंशन द फीनोटाइप ऑल्सो, दैट दिस इज फॉर टॉल, दिस इज फॉर टॉल, दिस इज फॉर शॉर्ट, दिस इज फॉर शॉर्ट। कि ये आपका कंडीशन क्या है पेरेंट की, टॉल कंडीशन, ये कंडीशन क्या है, शॉर्ट कंडीशन। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक जो देख के पता चल रहा है, तो दो आपके क्या है टॉल और दो आपके क्या है शॉर्ट, टू को टू से कैंसिल करोगे तो रेशियो क्या आ गया, 1:1 लिख सकते हैं हम। तो 1:1 आपका टॉल है, 1 आपका शॉर्ट है, यानी कि हम सिंपल और बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूँ इस रेशियो को परसेंट में बताओ, तो 50% आपके टॉल है, 50% आपके शॉर्ट है, ये पूरा स्क्वायर आपका 100% होता है, तो हर बॉक्स कितना हो गया 25%। सो यहाँ पर दो बॉक्स में है तो 50%, यहाँ पर दो बॉक्स में है तो 50%, सो 50-50% आपके टॉल और शॉर्ट हो गए। ओके, दिस इज द फीनोटिपिक रेशियो, आई हैव मेंशन किया रिजल्ट में फीनोटिपिक रेशियो क्या है, टॉल और शॉर्ट का 1:1, और जीनोटिपिक रेशियो रिजल्ट में यहाँ पर क्या है, अब जीन्स देख लेते हैं, दो आपके जीनोटाइप सेम है दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और ये दोनों जीनोटाइप आपके सेम है दैट इज स्मॉल टी, यानी कि यहाँ जीनोटिपिक रेशियो भी क्या आया है आपका 1:1 आया है। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन इफ वी आर टेकिंग और इफ वी आर एज्यूमिंग कि हमारा F1 हाइब्रिड कैसा है, कैपिटल टी विद स्मॉल टी यानी कि हेटरोजाइगस कंडीशन में है। अब दूसरी कंडीशन को मैं एज्यूम कर दू, अगर मैं मान लू कि नहीं भाई टॉलनेस तो किस वजह से है, होमोजाइगस कंडीशन की वजह से है, तो अब मैं नेक्स्ट कंडीशन क्या लूंगी, जहां पर मैं अपने F1 हाइब्रिड के टॉलनेस के लिए रीजन क्या मान रही हूँ, होमोजाइगस कंडीशन यानी कैपिटल टी विद कैपिटल टी। तो दिस इज द सेकेंड कंडीशन वेयर आई हैव टेकन माई F1 हाइब्रिड एज कैपिटल टी।
तो बच्चे इससे गैमेट जो बनेंगे वो भी क्या बनेंगे कि कैपिटल टी कैपिटल टी। और जब मैंने इसे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया तो रिसेसिव क्या था, स्मॉल टी। तो यहाँ पर सारे ही आपके कैसे आए, टॉल आए, यानी कि यहाँ पर आपका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 4:0, क्योंकि चारों के चारों कैसे हैं, टॉल है। और जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप भी सबका क्या है, सेम। तो इस कंडीशन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, सेम, दैट इज 4:0। अब मेंडल ने बात की, अगर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आपका इस तरह का रिजल्ट आता कि सारे ही टॉल होते, या फिर उन्होंने कहा कि जब हम F1 हाइब्रिड को पेरेंट से क्रॉस करते हैं, तो या रिसेसिव पेरेंट के साथ, अगर हम F1 हाइब्रिड को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, अगर आपको रिजल्ट में नेक्स्ट जनरेशन में आधे पौधे टॉल दिख रहे हैं और आधे पौधे शॉर्ट, इसका मतलब आपका F1 हाइब्रिड किस कंडीशन का है, हेट्रोजाइगस कंडीशन का है। लेकिन अगर आप F1 को रिसेसिव के साथ क्रॉस करें और आपको सारे पौधे कैसे दिखे, टॉल दिखे, तो फिर आपका F1 हाइब्रिड कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन का है। तो जब मेंडल ने अपने मोनो हाइब्रिड F1 को रिसेसिव के साथ क्रॉस किया तो उसे रिजल्ट क्या मिले, 50% शॉर्ट एंड 50% टॉल। और इससे ये वेरीफाई हुआ कि जो F1 हाइब्रिड था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो F1 जनरेशन थी वो किस कंडीशन की थी, हेट्रोजाइगस कंडीशन की थी। और यहाँ से प्रूफ हुआ कि F1 जनरेशन आपकी हमेशा क्या होती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। मींस दिस F1 जनरेशन कैरीज द करेक्टर ऑफ बोथ पेरेंट। यहाँ पर आपका टॉल पेरेंट का करेक्टर भी आया है और शॉर्ट पेरेंट का करेक्टर भी आया, लेकिन एक्सप्रेस हमेशा पहली जनरेशन में क्या हुआ, टॉल हुआ, और जो एक्सप्रेस हुआ वही डोमिनेटिंग हुआ। बट ये सेकेंड करेक्टर आगे की जनरेशन में एक्सप्रेस होने की संभावना थी जो उन्हें F2 जनरेशन में शो हुआ। तो दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस कि अगर आपको कहीं पर भी अननोन जीनोटाइप फाइंड आउट करना है F1 हाइब्रिड का, तो आप क्या करते हैं, बैक क्रॉस करते हैं। और कौन सा बैक क्रॉस, जहां पर F1 को आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे। और इसी बैक क्रॉस को स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो बच्चा अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अननोन जीनोटाइप निकालना है F1 हाइब्रिड का, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप करेंगे टेस्ट क्रॉस करेंगे, ठीक है, यानी कि रिसेसिव बैक क्रॉस करेंगे, ओके। अब सेकेंड सिग्निफिकेंस पर आते हैं। सेकेंड हमने बात की कि ये बैक क्रॉस आपका डोमिनेटिंग बैक क्रॉस भी हो सकता है, जहां पर हम F1 जनरेशन को डोमिनेटिंग पेरेंट के साथ क्रॉस करें। सो बच्चा अगर मैं डोमिनेटिंग पेरेंट के साथ क्रॉस कर रही हूँ तो मेरे को फायदा क्या होगा, मैं क्यों कर रही हूँ। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस है कि इस डोमिनेटिंग बैक क्रॉस का यूज किया जाता है हॉर्टिकल्चर और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। क्यों, वेराइटीज को इम्प्रूव करने के लिए। और ये वेराइटीज इम्प्रूव कैसे हुई, अभी क्रॉस से समझते हैं। सो यहाँ पर आ जाइए सेकेंड क्रॉस विद सेकेंड सिग्निफिकेंस। यहाँ पर नेक्स्ट क्रॉस था डोमिनेटिंग बैक क्रॉस। बैक क्रॉस होता है पीछे जाना, तो ये तो सिंपल है कि F1 जनरेशन को आपने पीछे यानी कि पेरेंट्स के साथ जाके क्रॉस किया है, दोनों ही केस में बैक क्रॉस है। तो यहाँ पर लेकिन बैक क्रॉस किसका, आपने कौन सा पेरेंट सेलेक्ट किया, डोमिनेटिंग। तो यहाँ डोमिनेंट पेरेंट के साथ आपने F1 हाइब्रिड को क्या किया, क्रॉस। अब आपको ये पता है आपका F1 हाइब्रिड क्या है, कैपिटल टी विद स्मॉल टी। आप ये भी ले लो कि हमें नहीं पता, हम दोनों के साथ ट्राई कर लेते, ठीक है, तो हमें ये नहीं पता। तो हमने क्या किया, F1 हाइब्रिड को मैंने एज्यूम कर लिया पहले कि वो कैसा है, कैपिटल टी विद स्मॉल टी। तो यहाँ पर डोमिनेंट पेरेंट से हमें गैमेट मिला कैपिटल टी, F1 से मुझे गैमेट मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन आई हैव ड्रॉन अ पुनेट स्क्वायर शोइंग फर्टिलाइजेशन हियर, तो ऑन द वन साइड फीमेल, ऑन द अदर साइड मेल,
एंड आपने किसी को भी एज्यूम कर लो, यहाँ पर आपने फीमेल को कैपिटल टी एज्यूम कर लिया, मेल को कैपिटल टी स्मॉल टी कर लिया. देन जस्ट कम्पेयर दिस चेकरबोर्ड ऑफ पुनेट स्क्वायर, आपको कम्पेयर करना है कैपिटल टी हुआ, कैपिटल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये सारे ही आपके क्या है, टॉल, क्योंकि कैपिटल टी कैपिटल टी तो पेरेंट हमें पता ही है टॉल होता है. और ये कंडीशन आपकी क्या थी, F1 जनरेशन में टॉल दिख रही थी, तो यहाँ पर आपका कंडीशन जो है आपको सारे पौधे क्या दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं. तो यहाँ पर आपका सारे पौधे थे टॉल, यानी कि फिनोटाइप रेशियो. मुझे देखकर क्या पता चला कि जब मैंने अपने F1 हाइब्रिड को डोमिनेटिंग पेरेंट के साथ क्रॉस किया तो मुझे नेक्स्ट जनरेशन में सारे पौधे बड़े दिखे. ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया, 4-0, यानी कि टॉल और शॉर्ट जीरो थे. ठीक है, और जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर मुझे क्या मिला, अगेन 50-50%. तो दो यहाँ पर कैपिटल टी है जीनोटाइप, और दो यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी विद स्मॉल टी, यानी हेटरोजाइगस कंडीशन है. 2 से 2 कटेगा तो 1-1 लिख सकते हैं. और आई कैन मेंशन इट इन परसेंटेज ऑल्सो, सो अगेन इट इज 50-50%. ओके, सो यहाँ पर जीनोटाइप रेशियो भी आपको क्या मिल गया बच्चा, 1:1 मिल गया. अब यहाँ पर देखिए, मैं कह रही हूँ कि वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है क्रॉस, तो वो कैसे कर रहे हैं बच्चा. देखो, जब भी आप F1 जनरेशन को डोमिनेटिंग पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर आपके जनरेशन में शॉर्ट पौधे आ ही नहीं रहे, हमेशा क्या आ रहा है, डोमिनेटिंग करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, टॉल पौधे आ रहे हैं. और ये डोमिनेटिंग करेक्टर आपका क्या है, मैंने आपको बताया था, वही जीन एक्सप्रेस होता है जो एनवायरमेंट के साथ बेटर अडेप्ट कर पा रहा है, तभी वो एक्सप्रेस हो रहा है. और वो एक्सप्रेस हो रहा है यानी कि एनवायरमेंट में बेटर है, वो अच्छा ग्रो करेगा. तो यहाँ पर ये जो टॉल पौधे हैं, ये आपके एनवायरमेंट में बेटर ग्रो करेंगे, यानी कि आपकी ब्रीड अच्छी रहेगी. अगर यहाँ शॉर्ट के लिए करेक्टर आ जाता बच्चा, तो हो सकता है कि वहां पर आपका पौधा जो है वो कुछ जनरेशन तक ठीक ठाक आपका प्रोडक्टिविटी देता, लेकिन आगे जाकर रिसेसिव करेक्टर आपका एक्सप्रेस होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हैं. ठीक है, थीके? तो यहाँ पर आपका ये क्या हुआ है, क्योंकि सारा डोमिनेटिंग करेक्टर ही आपका एक्सप्रेस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी वेराइटी क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है. नाउ आप यहाँ सेकेंड कंडीशन, ऑल आई हैव नॉट मेंशन हियर, आप सेकेंड कंडीशन भी ले सकते हैं. और ये सिंपल सा यहीं से दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर F1 हाइब्रिड को अज्यूम कर लेती कि वो होमोजाइगस है, ठीक है, टॉल पौधा जो है वो होमोजाइगस की वजह से है, और मैं उसे डोमिनेटिंग के साथ क्रॉस करती हूँ, तो बच्चा यहाँ देखो, ये भी कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी है, तो दोनों के गैमेट भी क्या होंगे, सेम. तो यहाँ पर भी कैपिटल टी गैमेट, यहाँ पर भी कैपिटल टी. एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फ्यूज द गैमेट्स, यहाँ सारे ही आपके क्या मिलेंगे, कैपिटल टी विद कैपिटल टी, यानी सारे टॉल मिलेंगे. तो अगर आप ये सेकेंड कंडीशन लेकर भी डोमिनेंट बैक क्रॉस करते हैं, तो भी आपको सारे पौधे क्या मिलेंगे, टॉल मिलेंगे. दैट मीन्स कि यहाँ पर बच्चा हमने दो तरह के बैक क्रॉस पढ़े. पहले तो बैक क्रॉस का नाम क्या था, क्या सजेस्ट कर रहा है, कि आपको एक आगे के जनरेशन को पीछे वाले से क्रॉस करा रहे हैं, यानी F1 को आपने पीछे वाले पेरेंट से क्रॉस कराया. अगर पीछे वाला पेरेंट आप रिसेसिव सेलेक्ट करें, तो दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बैक क्रॉस विच इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. और ये टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस कि ये आपका यूज किया जाता है टू नो द अननोन जीनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड. ओके, आपका इससे F1 हाइब्रिड का अननोन जीनोटाइप नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपका रेशियो क्या होगा बच्चा, आपका सेम आएगा 4-0. इसलिए मैंने आपका डोमिनेंट बैक क्रॉस को आपका अननोन जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए यूज नहीं किया. और बार बार मैं इसे फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपका मोल्ड होकर आता है. नो वन इज गोइंग टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज टेस्ट क्रॉस चोइक बाय डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाता है कि एक पौधा है जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है, F1 जनरेशन में हमें मिला है, अगर आपको उसका जीनोटाइप फाइंड आउट करना है तो आप किस तरह का क्रॉस परफॉर्म करोगे. तो हमेशा अननोन जीनोटाइप के लिए टेस्ट क्रॉस ही होगा. बैक क्रॉस हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि कोई भी जीनोटाइप लेकर अगर आप डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करोगे तो दोनों में ही रेशियो 4-0 आएगा. और अगर रिजल्ट ही सेम है तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. तो
इस केस में दोनों में रिजल्ट आपका डिफरेंट आता है. एक में रिजल्ट क्या आ रहा है 1:1, जबकि दूसरे में रिजल्ट क्या आ रहा है 4:0. अगर आपका 1:1 आ रहा है तो हाइब्रिड क्या है हेटरोजाइगस कंडीशन, और अगर 4:0 आ रहा है तो हाइब्रिड क्या है होमोजाइगस कंडीशन. ओके, आई होप आपको समझ आया हो. इजी सा है, एक दो बार सुनेंगे यू विल लर्न इट. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास टीचर. थैंक यू वेरी मच. इन द नेक्स्ट क्लास विल टेक सम ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां पर आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस किस तरह से फेल हुआ, इसकी हम बात करेंगे. फॉर टुडे थैंक यू सो मच.